बी फार्मा एंड डी फार्मा बॉयज़ हॉस्टल, और हमारे साथ यहीं के एक स्टूडेंट जुड़े। कितने टाइम में मिलता है? तीन टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहीं के। लग ही नहीं रहा कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल है, लग रहा है एक तरह से प्राइवेट हॉस्टल है। रात में सब अपना अपना क्वालिटी सबको दिखाते हैं, साफ सफाई होती रहती है। मतलब ये गद्दा यहीं से मिलता है? मतलब आप बेलशीट और जो है पिल्लो लेके आते हैं बस? किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना रहा तो मतलब इस हॉल का यूज होता है। डेली शाम में क्रिकेट चलता है। हे गाइस, आई एम अमरदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमरदीप ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिलहाल अभी मैं आ रखा हूँ अगम कुआं, और अगम कुआं में वो भी आ रखा हूँ गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट इंस्टीट्यूट अगम कुआं। तो ये गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट इंस्टीट्यूट है, ये देख सकते हो, ठीक है ना। आज इसका हॉस्टल दिखाने वाला हूँ, बॉयज़ हॉस्टल दिखाने वाला हूँ, कैसा हॉस्टल है इस कॉलेज का, गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट इंस्टीट्यूट का। तो ये कॉलेज देख सकते हो, ठीक है ना, ये पूरा व्यू दिख रहा होगा, ठीक है। 1958 में स्थापित हुआ था। और बिहार में टोटल दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि बी फार्मा और डी फार्मा कराते हैं, और डी फार्मा सिर्फ यही कराता है अगम कुआं वाला, और बाकी जो एक है MIT मुजफ्फरपुर है वो जो है करवाता है आपका बी फार्मा, ओनली बी फार्मा कराया जाता है। ये बी फार्मा डी फार्मा दोनों कराता है। इधर कॉलेज है, ठीक है ना, कॉलेज का मेन एंट्रेंस यहाँ पे है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके इधर गुलजारबाग साइड जो जाता है रास्ता, इसके बगल से ही रास्ता जा रहा है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है BSc नर्सिंग की है, ठीक है ना, हॉस्टल है, और इधर से ही जाया जाता है बी फार्मा का जो हॉस्टल है, इधर से है बी फार्मा डी फार्मा दोनों। ये मेन एंट्रेंस है हॉस्टल का, इस साइड में गर्ल्स हॉस्टल है, BSc नर्सिंग है, बी फार्मा एंड डी फार्मा वालों का। और ये है जो डी फार्मा वालों का और बी फार्मा वालों का पुराना हॉस्टल, अभी ये टूटा नहीं है शायद, इसमें अभी कुछ लोग रह रहे हैं। और नया हॉस्टल है इस साइड मेरे पीछे, और यहाँ के ही एक स्टूडेंट हैं, आज वो हमें पूरा हॉस्टल टूर करवाएंगे। अभी हम ठीक सामने आ गए हैं बी फार्मा एंड डी फार्मा बॉयज़ हॉस्टल, और हमारे साथ यहीं के एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मनीकांत। अच्छा मनीकांत, कौन सा बैच आपका? 21-25। 21-25 क्या कर रहे हैं यहाँ से? बी फार्मा। बी फार्मा, अच्छा। तो आज यही जो है मनीकांत जो है हमारे भाई पूरा हॉस्टल टूर करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम सब एंट्री कर रहे हैं हॉस्टल में, और जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पे रह रहे हैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। तो आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं ये बताइए थोड़ा। यही दिसंबर में अलॉट हुआ है हॉस्टल। अच्छा, दिसंबर में अलॉट हुआ? एक दिसंबर से। अच्छा, 1 दिसंबर से। कितने दिन में हो जाता है अलॉट? वही 1 से 2 दिन में हो जाता है, पहले लेकिन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर पेरेंट्स बुलाना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारा प्रोसेस है ना। यहाँ पे गार्ड साहब रहते हैं, और यहाँ पे एंट्री होती है, कोई रजिस्टर मेंटेन होता है कौन कितने बजे कहाँ जा रहा है, और एंट्री। और लास्ट टाइम कब तक आना होता है कॉलेज? 9 बजे तक, रात में ना 9 बजे तक आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और सुबह वही 5-6 बजे नीचे में है, तो ये देख सकते हो ये पूरा कैफेटेरिया। तो यहाँ पे मेस की सुविधा है ना, यहाँ कितने टाइम मेस मिलता है? तीन टाइम, सुबह दोपहर शाम। और कितना फीस देना पड़ता है? 4,000-3,000। अच्छा, और बाकी तो मेरे को लगता है बाकी 100 रुपया हॉस्टल चार्ज है 1 महीने का। अच्छा, 1 महीने का 100 रुपये देना होता है। यहाँ पानी भी फिल्टर वाला लगा हुआ है भाई बाहर में। तो डी फार्मा बी फार्मा दोनों रहते हैं यहाँ। तो हम एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट रूम में, ठीक है, और हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहीं के। तो हाय, आप लोग बताइए, अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा कि आप लोग अपना नाम बताइए। दिव्यांशु सिंह। और सेशन 21-25 बी फार्म। 21-25। आप करण कुणाल, सेशन 2020-24। आप रोहित कुमार है, सेशन 21-25। मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ, 21-25 मेरा सेशन है बी फार्म। अंकित राज, 21-25। राहुल कुमार, 19-23 फाइनल ईयर स्टूडेंट। आप लोग पहले वीडियो देखें मेरा, कुछ हेल्पफुल लगा या नहीं? चलिए और कुछ बताइए इस हॉस्टल के बारे में। हमारे बैच के मिस्टर फ्रेशर है, बताएगा ये बताएगा। आइए आप इधर आ जाइए, ये माइक पकड़िए आप, बताइए कुछ हॉस्टल के बारे में आपको कैसा बहुत अच्छा फील होता है। लग ही नहीं रहा कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल है, लग रहा है एक तरह से प्राइवेट हॉस्टल है। एकदम सब चीज नया वगैरह, सारा सुख सुविधा का चीज है, फायर वगैरह सब मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि आग उग लगने पर क्या किया जा सकता है। और मतलब RO वगैरह, वाटर कूलर, सारा फैसिलिटी है यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया हुआ। सिक्योरिटी के लिए एनी टाइम गार्ड यहाँ पे अवेलेबल रहता है। साथ में सब अपना अपना क्वालिटी सबको दिखाते हैं, आपस में जो भी एक दूसरे से सीखते रहते हैं, चाहे पढ़ाई में हो और चाहे या खेल में हो सब, और इंजॉय खूब करते हैं। हॉस्टल का तो मजा ही इंजॉय के लिए होता है, और पूरा लाइफ जी रहा है यहाँ सब स्टूडेंट अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छा है, पूरा गाइड मिलता है कि कैसे करना है, आगे क्या करना है, ये सब मिलते रहता है। देखिए हमारे यहाँ पर एक सीनियर बैठे हुए हैं। ये सब हमारा 21 बैच का जूनियर है, और हमेशा हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं हॉस्टल में, तो ये लोग पूछते रहता है आगे के बारे में कि आगे के बॉस कैसे पढ़ना है, आगे क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है। कितने फ्लोर है मनीकांत? ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, सेकंड फ्लोर तक है, इधर भी है। नीचे वाले फ्लोर पे हमारे सीनियर रहते हैं। अच्छा, नीचे सीनियर मैक्सिमम सीनियर नेक्स्ट वन।
और 22 बैच वो एज ए प्रेशर मतलब एज स्टिल प्रेशर नहीं आ सकते मतलब प्रेशर के बाद आएंगे फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अलाउ नहीं है। अच्छा फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अलाउ नहीं है। अच्छा चलिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं है अलाउ। तो ये कौन से बैच के हैं? ये हमारे 20 बैच के हैं हमारे इमीडिएट सीनियर 20 बैच वॉशरूम। अच्छा वॉशरूम एक ही मतलब नहाने और एक साइड लेफ्ट साइड एक वॉशरूम और राइट साइड एक वॉशरूम। अच्छा कोई अच्छा मेंटेन भी अच्छा है मेंटेन किया साफ सफाई होती रहती है मतलब। अच्छा तो आते हैं करने वाले अभी इसके ऊपर अच्छा अब आपका जो भी बैचमेट सब है तो आपका रूम भी इसी फ्लोर पे आ गए हैं इनके रूम में। ये पानी आ रहा है गर्मी से। अच्छा रूम है इनका ठीक है रूम दिखा देते हैं आपको सही। तो ये इनका रूम देख सकते हो एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं दो लोग और ये पूरा इनका रूम है और दो बेड है बेड बहुत अच्छा बेड भी अच्छा क्वालिटी का है देख सकते हो है ना। और ये गद्दा यहीं से मिलता है मतलब आप बेल सीट और जो है पिल्लो लेके आते हैं बस है मॉस्किटो ये अपना सब है सिर्फ आपको ये मिल रहा है ना बहुत अच्छा है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है ठीक है। और इधर टेबल ये पढ़ने के लिए अच्छा चेयर भी अच्छा टेबल हो गया चेयर हो गया और ये गोदरेज दिख रहा है जीपीआई तो ये मतलब दोनों के लिए है और ये ट्यूबलाइट पंखा सब गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का है। रूम बहुत अच्छा है क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा रूम मिला। और क्या कैसा लग रहा है हॉस्टल में आके यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस अपना? हॉस्टल में आके अच्छा लग रहा है मतलब सब मैक्सिमम लोग से मिलने जुलने का मौका मिला कौन कैसे हैं सब हमारे सीनियर हमेशा नीचे मतलब गाइड करते रहते हैं कैरियर के रिगार्डिंग क्या कुछ भी डाउट हुआ ऐसे बाहर रहते थे तो प्रॉब्लम होता था कुछ पूछने वगैरह में। इधर आपको दिखाते हैं सामने का इनका नज़ारा दिखाते हैं ये एक तालाब है ठीक है और सामने में जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही है पारा मेडिकल कॉलेज निहार और इसके ठीक जस्ट सामने में ही है हॉस्टल और नीचे खेलने का भी है ना नीचे खेलते भी हैं आप लोग क्योंकि बैट दिख रहा है हमको रूम में और जिम का भी सामान रखे हुए हैं सब। चलिए अच्छा है और कॉलेज में पढ़ाई बताइए कैसा होता है? कॉलेज में पढ़ाई तो अच्छी होती है लेकिन अभी कुछ टीचर मतलब नए आने वाले हैं लैब वगैरह भी प्रॉपर होती है कॉलेज मतलब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा पहले जैसा अब कॉलेज नहीं रहा मतलब जो न्यू बच्चे आने वाले हैं हाँ आ सकते बहुत अच्छे पटना में तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और भी जीपीआई है पूरे बिहार में दो लेकिन जीपीआई बहुत अच्छा हो रहा है बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा तो और भी आना चाहिए सभी को आना चाहिए। मेरे साथ थे ये मणिकांत एंड 21 बैच के बी फार्मा एंड इन्होंने पूरा हॉस्टल टूर करवाया हमें टोटल 200 बेड का कैपेसिटी का हॉस्टल है। हम अभी हैं सेकेंड फ्लोर पे हैं जो 21 बैच का है ठीक है। तो यहाँ पे जो सामने में है इधर डी फार्मा किधर से है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब वो डी फार्मा ही मतलब हमारे अगर 21 बैच में बी फार्म वाले ज्यादा मतलब अलॉटमेंट ले लेते हैं हॉस्टल का तो उधर प्रोवाइड किया जाता है अगर इधर रूम नहीं बचा तो। ये आपका हॉल है? हॉल है ये हमारा हाँ पार्टी वगैरह करने या कोई भी मीटिंग वगैरह सीनियर अगर बुलाते हैं बाहर से या एलुमनाई वगैरह भी आते हैं तो सारे बैच को एक साथ बुलाकर यहाँ पे कुछ बताना वगैरह रहा या कुछ भी पार्टी वगैरह कुछ भी करना रहा जिसका किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना रहा तो मतलब इस हॉल का यूज होता। हम इधर आए हैं अभी ये ब्लॉक डी फार्मा के लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है अगर स्टूडेंट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर मतलब इधर भी आ सकते हैं इधर भी आ सकते हैं ये एंड इस तरह अभी अच्छा इस साइड हैं अलॉट हुआ है बंद है लगता है सब जूनियर घर बिता रहा है आम खा रहा है गर्मी एली हमारी बैच के अच्छा 21 बैच के और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे हम रूम में आए हैं थोड़ा सा बात कर सकते हैं भाई कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि हाँ बस देख ही रहे हैं कॉलेज में कॉलेज है हाँ ठीक कॉलेज ठीक है यहाँ का नाम सूरज कुमार थैंक यू। तो बता दूँ सबको कि जो डिप्लोमा कर लेते हैं बिहार सरकार उसका भी एग्जाम लेती है बीसीईसी एली करके तो एली मतलब डिप्लोमा कर लेते हैं डिप्लोमा करने के बाद एली का एग्जाम देते हैं तो सेकंड ईयर बी फार्मा में आ जाते हैं जब डीएमएलटी कर लेते हैं तो डायरेक्ट सेकंड ईयर बीएमएलटी में आ जाते हैं तमाम जितने भी कोर्स हैं ओटी ये सब सब में मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में आ जाते हैं। और हम एक और रूम में आए हैं तो आप आना चाहेंगे? मेरा नाम राहुल कुमार है राहुल कुमार जी थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट बी फार्म बी फार्म सेशन सेशन 2021 टू 2025 कैसा है कॉलेज? कॉलेज अच्छा ही है हॉस्टल भी अच्छे हैं ये पूरा छत है कॉलेज सामने है ठीक सामने देखिए कॉलेज है कॉलेज के जस्ट पीछे में ही ये कॉलेज के हॉस्टल है एंड वो जो है बी फार्मा एंड डी फार्मा गर्ल्स हॉस्टल इधर है ये पूरा कॉलेज और ये ड्रैगन कौन बनाया ये हमारे 20 बैच के बॉस बनाया
दीपक बॉस, जीपीआई के आर्टिस्ट बॉस के नाम से जाने जाते हैं। तालाब है ना, बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती है सुबह में एकदम। शाम वगैरह में ज्यादा गर्मी होती है तो मतलब ऊपर भी आके लोग बैठते हैं वगैरह, बात वगैरह, टाइम पास मतलब अच्छी खासी हो जाती है, सब लोग झुंड बना के बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब कोई दिक्कत वगैरह नहीं है कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए, मतलब कोई मनाही नहीं है कि कपड़ा नहीं सुखा सकते, ये सब अपना टाइप मतलब लगता है, अच्छा लग रहा है हॉस्टल में। ये फर्स्ट फ्लोर पे इधर एक छोटा सा गैलरी टाइप का, गैलरी नहीं बोलेंगे मतलब एक तरह सा यार्ड बरामदे टाइप का, ठंड में बैठने बैठने के लिए बहुत अच्छा, अपना चेयर वगैरह ला के पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बहुत स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कपड़ा वगैरह सुखा रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई रोक झोंक नहीं है कि आप कपड़ा नहीं सुखा सकते हैं आगे से। तो ये सब खेल रहे हैं, हाँ यहाँ पे डेली शाम में क्रिकेट चलता है, और पीछे कॉलेज कैंपस जो आगे से कॉलेज है उसमें वॉलीबॉल होती है। इस गेट का यूज होता है? हाँ होता है, अभी बंद है। अभी बंद है ना, तो अभी पहले मैं उधर गया था मगर वो गेट अभी बंद था, तो इधर से एंट्री की मैंने जहाँ से बी फार्मा गर्ल्स हॉस्टल है इधर से। और पुराना हॉस्टल में अभी कुछ देखा कुछ? हाँ कुछ लोग रहते हैं अभी भी, लेकिन वो बहुत जल्द मतलब टूटने वाला है क्योंकि मतलब उस हॉस्टल का यूज नहीं है, मतलब वो हॉस्टल पुराना हो चुका है, उसके जगह मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ दूसरा चीज बनाएगी, मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है उस हॉस्टल का। और हमारे एलुमनाई वगैरह अभी उसी में रहते हैं, मतलब जो नए मतलब जो हाँ जो मतलब 18 बैच 17 बैच के हैं, कभी कदर आ जाते हैं तो उसमें भी रहते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं क्रिकेट, और ये एक पूरा बड़ा ग्राउंड है इनका, यहाँ से लेकर वहाँ तक देख सकते हो। तो हमने आपको पूरा टूर कराया बी फार्मा का, बी फार्मा एंड डी फार्मा का हॉस्टल टूर था, और इसमें हेल्प किया हमारे मणिकांत भाई ने, और बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा टूर करवा दिया। जो भी न्यू स्टूडेंट आना चाहते हो तो वो हॉस्टल देख ले, बहुत अच्छा हॉस्टल है, सीनियर जूनियर सब एक साथ, तो यहाँ पे बहुत मजा आता है। मगर अभी फील जो हम कर रहे हैं और जो अभी आने वाले टाइम में तुम सब करोगे, मणिकांत भाई कर रहे हैं, मेरा तो अभी हॉस्टल मेरे PHI का बन रहा है, तो कुछ दिन मतलब 2 साल के अंदर अंदर वो भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।